नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं प्रीति। एक बार फिर से ग्राहकों को तगड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है। एलपीजी महंगी हो गई है। आपको बता दें कि इससे आम आदमी के जेब पर भारी नुकसान पहुंचने वाला है। अभी कुछ दिन पहले ही घरेलू रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी की गई थी और अब शुक्रवार को जारी नए रेट के मुताबिक एलपीजी सिलेंडरों में 250 रुपए का इजाफा हुआ है, यानी कि अब एलपीजी सिलेंडर 250 रुपए महंगी हो जाएगी। हालांकि ये गैस के दामों में बढ़ोतरी घरेलू रसोई गैस में नहीं बल्कि कमर्शियल सिलेंडर में की गई है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका असर लोगों पर ही पड़ने वाला है क्योंकि अब रेस्टोरेंट में खाने भी महंगे हो जाएंगे क्योंकि अक्सर रेस्टोरेंट वाले कमर्शियल सिलेंडर का ही उपयोग करते हैं। अब कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 250 रुपए का इजाफा हुआ है तो खाने के दाम भी बढ़ जाएंगे। आपको पटना के साथ साथ बिहार के अन्य जिलों में एलपीजी सिलेंडर के दामों का एक बार रेट बता देते हैं। बिहार की राजधानी पटना में ये 1000 से ऊपर 1139 रुपए का भाव मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर के नए रेट आज से जारी हो गए। इस बार एलपीजी सिलेंडर एक झटके में 250 रुपए महंगा हो गया। यह वृद्धि घरेलू एलपीजी सिलेंडर में नहीं बल्कि कमर्शियल सिलेंडर में हुई है। लंबे अरसे के बाद पेट्रोल, डीजल और एलपीजी उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लग रहा है। आपको बता दें कि इस दिन बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी क्योंकि 6 अक्टूबर 2021 के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं आया था। आज यानी नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 949 रुपए, कोलकाता में 976 रुपए, मुंबई में 949 रुपए और चेन्नई में 965 रुपए में रिफिल हो रहा है। 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 1 मार्च को दिल्ली में 2012 रुपए मिल रहा था, जिसकी कीमत 22 मार्च को घटकर 2003 रुपए कर दी गई। हालांकि आज से दिल्ली में इसके लिए 2253 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं कोलकाता में अब 2087 रुपए के बजाय 2351 रुपए और मुंबई में 1955 की जगह आज से 2205 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो वहीं दिल्ली में और चेन्नई में आज से 2138 रुपए के बजाय 2406 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा कोलकाता में 976 रुपए, मुंबई में 949 रुपए और चेन्नई में 965 रुपए मिल रहा है। बिहार की राजधानी पटना में ये 1000 से ऊपर जाकर 1139 रुपए के भाव से मिल रहा है। आपको बता दें कि अभी 10 दिन पहले ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट बढ़े थे। 22 मार्च को कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ था, लेकिन रेट बढ़ने के साथ ही एक बार फिर से आम आदमी को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। बिहार की राजधानी पटना में ये 1000 से ऊपर 1139 रुपए का भाव मिल रहा है। आपको बता दें कि आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हुई है और आज से ही आम आदमी की जेब पर जबरदस्त झटका लग रहा है। एक तरफ पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं अब एलपीजी सिलेंडर के दामों में भी वृद्धि हो गई है। कुछ दिन पहले, कहले के 10 दिन पहले अभी घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि हुई थी और अब कमर्शियल सिलेंडर के दाम में एक ही बार में 250 रुपए की वृद्धि हो गई है। इससे कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर जबरदस्त असर पड़ने वाला है। इस खबर में इतना ही। अब बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।